तो फेस्टिवल सीजन आने वाला है ठीक है दो दिन रह गए हैं रक्षाबंधन के लिए हर इंसान यार खूबसूरत दिखना चाहता है और आजकल तो सोशल मीडिया का ट्रेंड है सब डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स लेते हैं उसे पहनते हैं रेडी होते हैं रील शेयर कर रहे हैं पोस्ट शेयर कर रहे हैं पिक्चर शेयर कर रहे हैं बैकलेस पहनना है किसी को कट स्लीव्स पहनने हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लेकिन टैनिंग ने सारी स्किन को खराब कर रखा है हेलो एवरीवन वेलकम टू उपासना की दुनिया कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है दो दिन बचे हैं रक्षाबंधन के लिए सबको क्यूसिटी है कि यार हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्लीन हो जाए सैलून तो इस टाइम पे फुल मिलते हैं लड़कियां फेशियल करवा रही है माइक जाना है तो उसके लिए मैंने आपको घर पे सॉल्यूशन बताया था एक दिन पहले जो वीडियो आई थी कि हाउ टू तो डू फेशियल एट होम जस्ट इन थर्टी मिनट जिससे आप अपनी स्किन को एकदम से क्लीन कर सकते हो एकदम से नेचुरल ग्लो ला सकते हो तो आज की वीडियो है हाउ टू डू बॉडी पॉलिशिंग एट होम जस्ट इन थर्टी मिनट्स 30 मिनट में या 40 मिनट में आप अपनी बॉडी को पूरा क्लीन कर सकते हो टैनिंग को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो जैसे क्या होता है कि यार इवन मेरी तो चलो मेरी भी है टैनिंग ऐसा नहीं है पर बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जो बॉडी का कलर है यहाँ पे ना इससे नीचे का हिस्सा अलग होता है ये हिस्सा नेक का अलग होता है जो पोर्शन कवर है वो डिफरेंट दिखता है और बाकी अलग तो यार अब साड़ी के ब्लाउज में तो आपको बैकलेस भी पहनना है कट स्लीव्स भी पहनना है ठीक है डीप नेक है तो वहाँ पे क्या करें तो वहां पे कुछ नहीं करना बस उपासना की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना है रेमेडीज को फॉलो करना है और यार जो आपका पहनने का मन है आप पहनिए टैनिंग की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आज की वीडियो ऐसी ही होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं दो दिन का वक्त है दो दिन की रेमेडी से सिर्फ दो दिन आपको करना है पहले दिन क्या करना है दूसरे दिन क्या करना है और तीसरे दिन मुझे थैंक्स बोलना है दैट्स इट फर्स्ट डे बात करते हैं जब भी आप सुबह नहा रहे हैं या जब भी आप शाम को ऑफिस से आ गए थक के आ गए आपको क्या करना है आपको लेनी है एक कटोरी कर्ड ठीक है उसमें आपको ऐड करना है दो चम्मच हनी एक कटोरी कर्ड सफिशेंट है पूरी बॉडी के लिए एक कटोरी कर्ड उसमें दो चम्मच हनी ऐड करना है आधा चम्मच आपको ऐड करना है हल्दी पाउडर आधा चम्मच आपको ऐड करना है उसमें बेसन का एक चम्मच ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी फिर से रिपीट करी एक कटोरी लेना है दही आधा चम्मच उसमें ऐड करना है हल्दी दो चम्मच ऐड करना है शहद आधा चम्मच ऐड करना है बेसन एक चम्मच ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी और इसका पूरा फाइन पेस्ट बना लेना है पैक की तरह जब वो पैक आपका बन गया आपको कुछ नहीं करना जस्ट नेक से लेके पूरी अपनी आर्म्स पे नेक पे बैक पे लेग्स पे पैर पे लोअर लिब पे पूरी बॉडी पे आपको उसे लगा लेना है ये क्या करेगा जितनी भी अंदर डस्ट है आपके पोर्स में उस डस्ट को पूरा बाहर की तरफ खींचेगा क्योंकि कर्ड एंटीऑक्सीडेंट का काम भी कर रहा है हनी एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है डीप क्लीनिंग इफेक्ट दे रहा है बेसन जो है वो नेचुरली डेड स्किन को रिमूव कर रहा है मुल्तानी मिट्टी उसको हील कर रही है और हल्दी तो एंटी बैक्टीरियल है ही और स्किन वाइटनिंग इफेक्ट है तो सारे इनग्रीडियंट ऐसे हैं जो स्किन को क्लीन करेंगे तो पहले दिन का काम हो गया आपको पैक लगाना है मिनट के बाद अच्छे से उस पैक से स्क्रब ना तो आपको ना इसे से करना है पानी नहीं लेना है अच्छे से जैसे मानो आपने पैक यहाँ लगा लिया अब अच्छे से रगड़ के कि भाई निकल जा आप सारा अब फेस्टिवल सीजन है मुझे सबसे अच्छा दिखना है डिफरेंट दिखना है रगड़ रगड़ के आप निकाल दो सारा और ठंडे पानी से आप नहा लो किसी भी सोप का बॉडी वॉश का इस्तेमाल वहां पे नहीं करना है सिंपल सस्ता टिकाऊ ठीक है ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डे का सेकेंडली आपको क्या करना है अगर आपके पास वक्त है और आपको बिल्कुल पॉलिशिंग को बिल्कुल पीक लेवल पे लेके जाना है ये तो हो गया अब आपने स्किन डस्ट तो रिमूव कर दी लेकिन आपको लगे यार मेरी बॉडी जो है ना वो बहुत शाइन भी करनी चाहिए तो आपको क्या करना है रात को उस दिन का एफर्ट है बादाम रोगन लेके अपनी पूरी बॉडी पे मसाज करनी है ठीक है इस तरह से रब करके बस दो तीन मिनट के लिए नेक पे पूरी बैक पे आर्म्स पे पैर पे और सो जाना है और सुबह उठ के नहा लेना है ठीक है बस सिंपल है और आप देखिएगा कि एक बार करने से ही आपकी बॉडी में क्या चेंज आता है और कितना पॉजिटिव इफेक्ट आता है इसी बीच में यार पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी फेशियल वाली वीडियो के लिए मतलब सच में मुझे इतना अच्छा लगा Uh, मुझे अब तो उनकी आईडी भी याद नहीं है तीन चार लोगों ने लिटरली वो करा मुझे जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया और मैं एकदम से घबरा गई कि मैम हमने ये किया है मेरे को लगा कोई दिक्कत तो नहीं आ गई खैर मैम दिक्कत नहीं आई मतलब इतना ग्लो आ गया इसको करने के बाद थैंक यू सो मच तो आप भी कभी परफॉर्म करते छोटी छोटी छुड़ क्लिप्स शेयर किया करो हमें ना कॉन्फिडेंस आता है और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कमेंट्स में वीडियो को लाइक करो कमेंट्स में बताओ कि कैसा आपका फीडबैक है सो दैट मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें लेके आऊँ और जेनुअन रेमेडीज लेके आऊँ वैसे जो हमारी रेमेडीज होती हैं उनका जो बिल्कुल जैनअन फीडबैक है वो मुझे मेरे पेशेंट के थ्रू मिलता है जब वो ओपीडी में आते हैं मुझे बताते हैं कि मैम ऐसे था ऐसे हो गया इतना अमेजिंग रिजल्ट है मखाना और आलमंड वाली रेमेडी को तो इतना ज़्यादा प्यार मिला है इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस रेमेडी के लिए जितना मुझे पॉजिटिव फीडबैक आया अब बात करते हैं दूसरे दिन की पहला दिन तो कम्प्लीट हो गया दूसरे दिन क्या करना है बहुत सिंपल इमली लेनी है आपको ठीक है पानी में भिगो देना है दो घंटे बाद उसे अच्छे से मसल के उसकी चटनी बना लेनी है ठीक है चटनी बना के जो बीज हैं उसके पल्प हैं जो गुद्दा सा रहता है उसको फेंक देना है जो बीज का पानी जो चटनी रह गई उसे आपने पूरी नेक से लेके पूरी बॉडी पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है लेयर में ठीक है फेस पे भी आपको कंप्लीटली लगाना है नेक पे भी लगाना है ईयर पे मतलब पूरी बॉडी आपको कवर करनी है ठीक है जब भी आप कानों पे कुछ भी पेस्ट लगाते हैं यहाँ पे कॉटन जो है उसे आप भस लीजिए ताकि पानी ना जाए कोई चीज ना जाए और इस तरह से हमेशा नेक पे आप मसाज करिए दो मिनट तो ये नरिश करता है और एयर को एलिमिनेट कर देता है इस तरह से अब उसको लगाने के बाद पंद्रह मिनट के बाद आपको जस्ट ठंडे पानी से ना अच्छे से उसे रब करके वॉश कर देना है दैट्स इट दो दिन में आपकी स्किन इतनी क्लीन दिखेगी कि आप खुद भरोसा नहीं कर पाओगे और मुझे शुक्रिया अदा करोगे क्योंकि यार दो ही दिन बचे हैं अब बहुत लंबा हम नहीं ले सकते ठीक है तो दो दिन में ये रेमेडी परफेक्ट है और जब आप रात को सोएंगे सिमिलर वे में जैसे आपने डे वन पे बादाम रोगन लेके या रोगन बादाम लेके आपने जो मसाज किया था उसी को मसाज करके अच्छे से सोना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश करना है सिंपल सी रेमेडी थी जिसे आपको सिंपल वे से फॉलो करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप बॉडी पॉलिशिंग हमारे यहाँ पे करवाना चाहते हो इन फ्यूचर हर्बल फेशियल करवाना चाहते हो नवारा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अगर आपको कोई भी बीमारी है समस्या है थक चुके हो सनस्क्रीन लगा के थक चुके हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हो झाइयों को भी अलविदा कह सकते हो रेमेडीज तो मैं आपको बताती हूँ लेकिन मोस्टली मुझे ये कमेंट आते थे रिव्यूज के लिए मैंने कई बार कोशिश की इस चैनल पर वीडियो पोस्ट करने की बट यार फिर कुछ लोगों के कमेंट आते मैम हम सिर्फ रेमेडी देखना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर उपासना वोहरा चैनल जो है हमने स्टार्ट किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ वो चैनल प्योरली रिव्यूज पे है जिनके जेन्यून रिव्यूज़ जो हमारे पेशेंट हैं हैं हम उनके वहीं पे शूट कर रहे हैं, क्लिनिक पे और आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रिवर्ट करे और हर बीमारी के मैं कलेक्टिव रिव्यूज वहां पे शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ और दिस इज द ओनली रीजन कि मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ कि आप अपना जेन्युन रिव्यू शेयर करो ताकि हर वो इंसान जो परेशान है जो पैसा खर्च करके थक चुका है वो यहाँ आके पूरी तरह से ठीक हो जाए आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से देते रहें उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना धन्यवाद